सो गाइस, मैंने आप लोगों को कॉल बैक फंक्शन में बताया, आज मैं आप लोगों को प्रॉमिस के बारे में बताऊंगा। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस अच्छी तरह बताऊंगा। यही होता है प्रॉमिस। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रॉमिस का मतलब क्या है जावास्क्रिप्ट में, ये क्या कोई नई चीज़ है? प्रॉमिस का मतलब वही होता है जो कि हिंदी में प्रॉमिस का मतलब होता है, मतलब कि इंग्लिश में प्रॉमिस का मतलब होता है मतलब कि कसम। तो मैं यहाँ पर ट्यूट 39.js बना लेता हूँ और इसमें मैं दिखाऊँगा कि किस तरह कसम खाई जाती है, यानी कि प्रॉमिस को किस तरह रिजॉल्व किया जाता है। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं आप लोगों से प्रॉमिस करूं कि मैं आप लोगों को प्रॉमिस पर एक ऐसा वीडियो दूंगा कि आप लोग प्रॉमिस कभी नहीं भूलोगे, तो ये मैंने एक प्रॉमिस करी है। अब ये जो प्रॉमिस मैंने करी है, मैं जावास्क्रिप्ट को हटा देते हैं, सिर्फ मैं जनरल बात कर रहा हूँ प्रॉमिस की, कि मैंने अगर आप लोगों से ये प्रॉमिस करा है तो दो बातें होंगी। एक तो ये होगा कि मैं अपने प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दूँ, ठीक है, या फिर एक होगा प्रॉमिस को मैं रिजेक्ट कर दूँ, यानी कि मैं नहीं बना पाऊँ अच्छा वीडियो और आप लोग बोलें कि यार हैरी भाई क्या घटिया वीडियो बनाया, कुछ समझ ही नहीं आता और टाइम भी गया हमारा। तो ये क्या होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है कि पेंडिंग, यानी कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, तो आप अभी इस टाइम पर, जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हो, मेरी प्रॉमिस जो है पेंडिंग है, अभी ना ही तो रिजॉल्व हुई है ना ही रिजेक्ट हुई है। आप तो अभी वीडियो को देख रहे हो, एक बार आप वीडियो को देख लोगे तो दोनों में से एक बातें होंगी, या तो रिजॉल्व होगी प्रॉमिस या रिजेक्ट होगी। और मैंने क्या प्रॉमिस करी है, बेस्ट वीडियो ऑन प्रॉमिसेस। तो ये जो है हमारा प्रॉमिस जावास्क्रिप्ट में भी इसी तरह काम करता है। तो मैंने ये बात जो आप लोगों को बताई वो देसी भाषा में तो एकदम समझ में आई, लेकिन अब मैं आप लोगों को यही चीज़ कोड में लिखकर बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों को कॉल बैक फंक्शंस के बारे में बताया था। मान लो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूँ और मैं इस फंक्शन का नाम func1 लिख दूँ और मैं कहूँ कि ये रिटर्न करेगा एक न्यू प्रॉमिस, एक कसम रिटर्न करेगा। और ये सिंटैक्स जो मैं लिख रहा हूँ अभी, ये जो प्रॉमिस होता है हमारा, जो प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर होता है, प्रॉमिस कुछ नहीं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो जो प्रॉमिस है वो एक फंक्शन लेगा और वो जो फंक्शन है वो दो और फंक्शन लेगा, पहला लेगा रिजॉल्व और दूसरा लेगा रिजेक्ट। अब आप लोग कहेंगे ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना छोटा सा इतनी छोटी सी बात इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो गई? देखो क्या हुआ कि मैंने रिटर्न करा न्यू प्रॉमिस, मैंने कहा कि मैं प्रॉमिस रिटर्न कर रहा हूँ, या तो मैं रिजॉल्व कर पाऊँगा या रिजेक्ट कर पाऊँगा। अगर वो रिजॉल्व होता है तो क्या करना है और वो रिजेक्ट होता है तो क्या करना है, ये मैंने बता दिया अपने प्रॉमिस को। तो ये जो कह रहा है func1, वो ये कह रहा है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं रिजॉल्व कर दूँगा, और अगर ये रिजॉल्व नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और जिस टाइम पर ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉमिस, उस टाइम पर हमारी प्रॉमिस जो है वो पेंडिंग रहेगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक सेट टाइम आउट लगा दूँ और सेट टाइम आउट के बाद मैं यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड के बाद एक कंसोल डॉट लॉग करूँ और मैं यहाँ पर लिखूँ कि योर प्रॉमिस हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, ठीक है, मान लो कुछ इस तरह से लिखूँ, तो मैं कुछ इस तरह से रिजॉल्व को कॉल कर दूँगा, ठीक है। अगर मान लो कुछ हो जाता है यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट लगा रहा हूँ, लेकिन जनरली यहाँ पर क्या होगा, आप कोई नेटवर्क को रिक्वेस्ट मारोगे, कोई XHR ऑब्जेक्ट इनिशिएट करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे कि नेटवर्क में जाओ कुछ रिसोर्स लेकर आओ, या तो आप वो रिसोर्स ला पाए या वो रिसोर्स नहीं ला पाए। अब अगर आप वो रिसोर्स ला पाए, और 2 सेकंड तो लगने ही लगने हैं क्योंकि आप जा रहे हो नेटवर्क में ट्रैवल करके, अब अगर आप ला पाए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स एरर इज इक्वल टू ट्रू। मान लो नहीं ला पाए, एरर आ गया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ नॉट ऑफ एरर, अगर एरर नहीं आता है तब आप क्या करें, तब जी आप इसको रिजॉल्व कर दें, लेकिन अगर एरर आता है तब आप क्या करें, मैं इन दोनों को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं रिजेक्ट लिख दूँगा और मैं रिजेक्ट कर दूँगा और यहाँ पर सॉरी नॉट फुलफिल्ड ऐसे लिख दूँगा, ठीक है, हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व लिख देता हूँ यहाँ पर, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, थोड़ा इंडेंट वगैरह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो ये जो सिंटेक्स मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, ये थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा अभी आप लोगों को, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मुझे नहीं आने वाला, ये तो बहुत ही कर रही चीज़ है, नहीं, बहुत सिंपल है, सुनते रहना बस बात को खत्म, पूरा देखना है वीडियो, प्रॉमिस मेरा ये है कि पूरा देखना है वीडियो, उसके बाद आएगा समझ में। तो func1 ने क्या कहा, func1 ने कहा कि जब भी आप मुझे रन करेंगे, मैं आप लोगों से कसम खाकर एक फंक्शन को रन करूँगा, अगर सब कुछ सही हुआ तो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या, अगर यहाँ पर मैं func1 को कॉल करता हूँ, मान लो मैंने func1 को कॉल करा, मैंने कहा कि जी इस फंक्शन को जो है आप कॉल कर दीजिए, ठीक है। अब ये फंक्शन तो कॉल हो जाएगा, लेकिन होगा क्या,
अब मैं ये देखूंगा यहाँ पर डॉट देन लिखूंगा। डॉट देन का मतलब क्या है? डॉट देन का मतलब ये है कि अगर कॉल बैक रिजॉल्व हो जाता है, अगर ये जो कॉल बैक है वो रिजॉल्व हो गया मेरा, तब मैं क्या करूँगा। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये जो रिजॉल्व जो मैं चाहता हूँ कॉल हो, जो मैं चाहता हूँ कॉल हो, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। और मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा और मैं कहूँगा कि जी ये फंक्शन आप जो है कॉल कर लेना। तो मैं लिखता हूँ थैंक्स फॉर रिजॉल्विंग, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है क्या, योर प्रॉमिस हैज़ बीन रिजॉल्व, ये मेरा फंक वन बोल रहा है। और यहाँ पर ये कौन है, ये हैरी बोल रहा है, हैरी बोल रहा है थैंक्स फॉर रिजॉल्विंग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा फंक वन मेरी जो प्रॉमिस है उसको रिजॉल्व करके ये प्रिंट कर देना, ठीक है। लेकिन मान लो वो नहीं कर पाया, ठीक है, और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा फंक्शन एक और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। और हैरी इस बार क्या बोलेगा, हैरी बोलेगा वेरी बैड ब्रो, ठीक है, कुछ इस तरह से बोलेगा। तो मैं एक जल्दी से काम करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसको लाइव सर्वर से, और यहाँ पर ट्यूट 39 मुझे इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इन सब चीज़ों को भी फिक्स कर देता हूँ, 38 की जगह 39 कर दिया है। और यहाँ पर मेरा जो लाइव सर्वर में ये खुला कि नहीं, ओपन विद लाइव सर्वर, और देखो ये लाइव सर्वर में खुल गया है। मैं अपना जो कंसोल है उसको खोल लेता हूँ, और उसी के साथ साथ क्या हुआ, ये कह रहा है योर प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व, हैरी बोला वेरी बैड ब्रो। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और करता हूँ, मैंने यहाँ पर शायद यहाँ पर नहीं लिखा फंक्शन ने क्या कहा। तो हुआ क्या यहाँ पर एक फंक्शन नामक एक व्यक्ति था, व्यक्ति मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, एक फंक वन नामक व्यक्ति था। फंक वन एक ऐसा इंसान था जो कि लोगों से प्रॉमिस करता है, और वो लोगों से प्रॉमिस करता है। अब देखो प्रॉमिस तो सब लोग करते हैं, रिजॉल्व कितने लोग करते हैं और रिजेक्ट कितने लोग करते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये जो व्यक्ति है हमारा जिसका नाम फंक वन है, वो कहता है कि जी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये कर दूंगा। अब क्या कर दूंगा, बस कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। और तो आप कहेंगे कि अगर तुमने नहीं किया तो, उसने कहा चलो ठीक है अगर मैंने नहीं किया तो भी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो इसने कहा कि चलो ठीक है फंक वन, तुम जो प्रॉमिस कर रहे हो करने का, मैं तुम्हें दो चीज़ें दूंगा, दो फंक्शन दूंगा। एक तो दूंगा रिजॉल्व, वो मैं तुम्हें देन के अंदर डाल के दूंगा, और एक मैं तुम्हें दूंगा क्या, एक मैं तुम्हें दूंगा रिजेक्ट, वो मैं तुम्हें कैच के अंदर डाल के दूंगा। अगर तुम सफल हो जाते हो तब जो देन वाला फंक्शन है वो मेरा कॉल हो जाएगा, और अगर तुम सफल नहीं होते हो तब क्या होगा, तब कुछ काम होगा और उसके बाद जो है रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जाते हैं, देखो हुआ क्या, मैं इसको रिलोड करता हूँ, और ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, योर प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर आ गया। अब ये मैंने एरर इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जनरली मैं ऐसा करूँगा नहीं। मैं यहाँ पर जनरली करूँगा क्या कि मैं नेटवर्क से रिक्वेस्ट मारूंगा और देखूंगा कि मेरा जो सक्सेस है, मेरी जो रिस्पांस टेक्स्ट है, रिस्पांस कोड है, वो 200 है कि नहीं। अगर मेरा स्टेटस कोड HTTP का 200 है तो मतलब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो एरर को फॉल्स कर दूंगा, वरना एरर को ट्रू करूंगा। तो जब मैंने एरर को ट्रू करा और ये एरर इसका जो है ये पकड़ा गया, ठीक है, तो ये एल्स के अंदर जाएगा। तो क्योंकि एरर ट्रू है तो फंक्शन बोलेगा योर प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व, तो मैं बोलूँगा, और उसके बाद क्या होगा, रिजेक्ट होके सॉरी नॉट फुलफिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि योर प्रॉमिस हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व लिख कर आ गया, और उसी के साथ साथ मैंने क्या किया, जो रिजेक्ट वाला मेरा फंक्शन है वो लेगा एक स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि एरर। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, देखो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो कैच के अंदर मैंने डाला है वो यही है, ये रन जब होगा वो इसको रन करेगा। रिजेक्ट का मतलब क्या है, रिजेक्ट का मतलब ये फंक्शन है जो मैंने कैच के अंदर दिया है। तो यहाँ पर मैं प्लस एरर भी कर देता हूँ, और मैं बता रहा हूँ मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपको कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि प्रॉमिस क्या होता है गारंटी के साथ, तो मैं अपनी गारंटी को ज़रूर पूरा करूँगा। ये देखो कह रहा है वेरी बैड ब्रो सॉरी नॉट फुलफिल्ड, मैं एक स्पेस भी दे देता हूँ यहाँ पर, रीज़न क्या दिया, रीज़न दिया सॉरी नॉट फुलफिल्ड। तो एक बार और मैं इसको ज़रा समझाता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। तो ये होता क्या है, देखो फंक वन, मैंने फंक वन एक फंक्शन है, मैं व्यक्ति नहीं बोलूँगा इस बार, फंक वन एक फंक्शन है। प्रॉमिस से स्टार्ट करता हूँ, प्रॉमिस का मतलब ये है कि कोई आप लोगों से अगर प्रॉमिस करता है कि मैं बेस्ट वीडियो दूंगा या नहीं दूंगा, तो तीन बातें होंगी, या तो प्रॉमिस रिजॉल्व होगी, या प्रॉमिस रिजेक्ट होगी, या जो प्रॉमिस है वो पेंडिंग स्टेट में होगी, यानी कि अभी कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई कहता है कि मैं आपको जो है मैं ये 10 किलो का जो वज़न है वो उठा लूँगा, और वो उठा रहा है और आपने कहा तुम नहीं उठा पाए, वो कहेगा उठाने तो दो, तो वो पेंडिंग स्टेट में है अभी, ठीक है। तो जब चल रहा है काम
वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के दौरान उस दौर में है, उस टाइम में है, तब उसे पेंडिंग बोलेंगे। अब होगा क्या, जो फंक वन है, मैंने कहा कि फंक वन एक फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है एक नई प्रॉमिस। वो ये कहता है कि अगर अगर ये जो मैं जो भी मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर इसके अंदर, वो अगर सच हो जाता है तब क्या करो, तब तो ये करके रिजॉल्व कर दो, लेकिन अगर नहीं होता है तब ये करके रिजेक्ट कर दो। दोनों में से एक बात होगी, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मान लो एरर इज इक्वल टू ट्रू आ गया, मान लो जो सर्वर था उसने एरर आपका रिटर्न कर दिया। तो इसको कैच करने के लिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शंस लिखे थे। मैंने बोला फंक वन मुझे प्रॉमिस मिल जाएगा क्योंकि रिटर्न कर रहा है न्यू प्रॉमिस। फंक वन इतना करा तो इसने प्रॉमिस मुझे रिटर्न किया। प्रॉमिस का एक मेथड होता है देन। देन का मतलब क्या होता है, रुको मैं अपना यहाँ पर कर्सर रखूँगा तो देखो यहाँ पर क्या है। देन का मतलब ये होता है कि अगर रिजॉल्व हो जाती है प्रॉमिस तब क्या करना है, अगर रिजॉल्व हो जाती है प्रॉमिस तब आप क्या करेंगे, ये फंक्शन दे देंगे उसको, कहेंगे जी ये फंक्शन है वो रिजॉल्व ले लो इसको। तो रिजॉल्व की जगह ये यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये फंक्शन। अगर वो फुलफिल होता है प्रॉमिस तो आप कहेंगे ये ले लो भाई, रिजॉल्व फंक्शन मेरा ये रहा। और अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जी ये रिजेक्ट फंक्शन है लो इसको रन कर लो, तुम प्रॉमिस तो फुलफिल कर नहीं पाए तो इसको रन कर लो, तो ये वाला रन हो जाएगा, तो रिजेक्ट रन हो जाएगा। तो ये क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम इसको कॉल बैक फंक्शन के सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कॉल बैक फंक्शन के बारे में बताया था आप लोगों को। तो मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने 38 ट्यूट 38 और जेएस वाले वीडियो में, इनफैक्ट 37 था वो जिसमें मैंने कॉल बैक के बारे में आप लोगों को बताया था। और ट्यूट 37 डॉट जे एस में हमने देखा था कि किस तरह हम इसको कॉल बैक दे सकते हैं। हम इसी के साथ साथ ये ना करके इससे प्रॉमिस भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये चीज़ किस तरह हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी करने के वाला हूँ, मैं सिंपली ये जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एनरोल स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट्स, ये दो फंक्शन है। और इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्यूट 39B बना लेता हूँ यहाँ पर। उससे होगा क्या कि मैं यहाँ पर करके आ रहा हूँ ट्यूट 39B डॉट जे एस, और मैं बताता हूँ मैं करके आ रहा हूँ ट्यूट 39B में। मैं बेसिकली करके आ रहा हूँ कि मैं अपने पुराने वाले कोड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उसको किस में, मैं उसको प्रॉमिसेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ मैंने कॉल बैक में लिखी थी उसको मैं अब प्रॉमिस से करके दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर ट्यूट 39B को इंक्लूड कर लिया है, और उसी के साथ साथ 38 और 37 को नहीं, 38 को बंद कर देता हूँ, 37 में जो भी था वो मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो 37 में क्या था एक बार देख लेते हैं। मैंने यहाँ कॉपी कर लिया उसको ट्यूटोरियल 39B.js में। और यहाँ पर हमने किया क्या था कि हमने एक नया स्टूडेंट बोला था कि हमें ऐड करना है। हमने दो फंक्शन बनाए थे, हमने कहा था कि हम प्रिटेंड करेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स नामक एरे है ये एक सर्वर से आ रहा है। हमने दो फंक्शन लिखे थे, एक एनरोल स्टूडेंट एक गेट स्टूडेंट। हमारा एनरोल स्टूडेंट सिर्फ 1 सेकेंड लेता था, लेकिन हमारा गेट स्टूडेंट जो है वो 5 सेकेंड लेता था। तो अब हुआ क्या, जब हमने इनफैक्ट मैं इसको उल्टा कर दूंगा, स्वॉप कर दूंगा, 5 सेकंड लेता था मेरा एनरोल स्टूडेंट और गेट स्टूडेंट 1 सेकंड लेता था। तो जितनी देर में ये स्टूडेंट हमारा एनरोल होता था उससे जल्दी ये गेट स्टूडेंट रिटर्न कर जाता था। तो हमें जो हम स्टूडेंट एनरोल करा रहे हैं वो प्रिंट होके नहीं मिलता था। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को ट्यूटोरियल 37। और ये देखो यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट में मेरे पास, मैं इसको रिलोड करूँ अगर, इनफैक्ट मैंने शायद इसको कॉल नहीं किया, गेट स्टूडेंट्स ये क्यों नहीं आ रहा है। ओके सो मैंने इसको वेबसाइट डॉट एच टी एम एल में लिखा है, तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, स्टूडेंट की लिस्ट में आ गया, देखो हैरी रोहन और सनी। तो हुआ क्या था कि मैं इसको रन कर रहा हूँ और 5 सेकंड के बाद आएगा, सॉरी इसलिए मुझे वेट करना पड़ेगा। देखो हो गया, हो हैरी रोहन और सनी। तो मैंने कॉल बैक की मदद से क्या किया था कि मैंने कहा था कॉल बैक फंक्शन में दे दूंगा इस तरह से, तब मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो हमारा एनरोल स्टूडेंट है वो रिटर्न करता है क्या, एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, और ये न्यू प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहा है इसके अंदर आएगा एक फंक्शन जो कि लेगा रिजॉल्व रिजेक्ट, और उसके बाद हम कुछ इस तरह से उसके अंदर आएंगे। और मैं ये जो सेट टाइम आउट है उसको घुसा दूंगा उसके अंदर, मैं उसको उसके अंदर घुसा देता हूँ सेट टाइम आउट को। और उसी के साथ साथ क्या होगा, सेट टाइम आउट को मैंने घुसा दिया इसके अंदर, और मैं ये कहूँगा कि अगर अगर एरर नहीं आता है तब क्या करो, रिजॉल्व कर दो। तो मैं इसको कहूँगा सेट टाइम आउट कुछ इस तरह करो, और एज्यूम करते हैं कि एरर कभी आ ही नहीं रहा है, और मैं यहाँ पर रिजॉल्व कर देता हूँ मान लो इसको, और ये कॉल बैक मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इनफैक्ट इसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जैसे ही ये पूरा हो जाता है आप जी इसको रिजॉल्व कर दें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा रिजॉल्व, तो और अगर एरर आएगा तो मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ। मैं इसी के अंदर रिजेक्ट भी लिख सकता था, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ़ नॉट ऑफ एरर,
नॉट ऑफ एरर, तब क्या करें जी आप, तब आप रिजॉल्व कर दें अगर एरर नहीं है तो, वरना क्या करें आप, वरना आप रिजेक्ट कर दें। और मैं कुछ इस तरह से कंडोलेस कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि मैं न्यू प्रॉमिस क्योंकि रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर, इसीलिए एनरोल स्टूडेंट में मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा एनरोल स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट दे दो पहले तो, और ये कॉल बैक में हटा देता हूँ, ऐसे कॉल बैक नहीं चाहिए अब। और मैं कहूँगा कि उसके बाद ये जैसे ही आप रन करें उसके बाद आप करेंगे डॉट देन, ठीक है, डॉट देन। डॉट देन एक फंक्शन लेगा और आप कह रहे हैं कि उसके बाद आप क्या करें, जैसे ही ये हो जाए कंप्लीट तब आप क्या करेंगे, अगर रिजॉल्व हो जाता है तो उसको दे देते हैं वो फंक्शन जो कि आप रन कराना चाहते हैं, तो आप गेट स्टूडेंट्स दे देंगे उसको। आप कहेंगे जी गेट स्टूडेंट्स को रन कर देना, गेट स्टूडेंट्स को क्या कर देना, रन कर देना, ठीक है। और ये क्या करता है, डॉट देन एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, आप उसको कैच कर सकते हैं फिर से, ठीक है। तो आप कैच करेंगे कुछ इस तरह से कर सकते हैं आप कैच, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद आप लोग लिख दें द एरर अकर्ड या सम एरर अकर्ड लिख। तो अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, रिलोड हुआ अपने आप, तो मेरा 5 सेकंड ले रहा है ना, कितना ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो 5 सेकंड के बाद एरर इज़ नॉट डिफाइंड लिखकर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, एरर इज इक्वल टू फॉल्स करना होगा, और अब मैं सेव करूँगा तो रिलोड होगा फिर से 5 सेकंड के बाद। 5 सेकंड के बाद क्या होगा, ये स्टूडेंट लिस्ट मेरी पॉपुलेट हो जाएगी, देखो स्टूडेंट हैज़ बीन एनरोल्ड हो गया, स्टूडेंट्स हैव बीन फेच्ड हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या, मैंने कहा कि मेरी इस प्रॉमिस को आप रिजॉल्व करके जो है क्या करें, गेट स्टूडेंट्स को कॉल कर दें, ठीक है। तो इनफैक्ट मैं ना ये इस तरह ना लिखकर इसको इस तरह भी लिख सकता था, मैं सिर्फ आप लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसे लिखा था, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको। देखो ये फंक्शन ही तो है गेट स्टूडेंट्स, और ये जो हमारा इस तरह मैंने ये लिखा हुआ है तो ये देखो ये अब भी चलेगा, 5 सेकेंड तक रुकना बस, 5 सेकेंड के बाद स्टूडेंट लिस्ट हमारी पॉपुलेट हो जाएगी, स्टूडेंट हैज़ बीन एनरोल्ड, स्टूडेंट्स हैव बीन फेच्ड, ये देखो हैरी रोहन सनी। अब अगर मैं टाइम इनका स्वाप कर देता हूँ, यानी कि ये 5 सेकेंड ले रहा है, मान लो ये 1 ले और ये वाला 5 सेकेंड ले, सेव करूँ इसको मैं, तब भी आप लोग देखना कि ये तीनों के तीनों स्टूडेंट हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखो हैरी रोहन सनी तीनों आ गए। तो मैं आशा करता हूँ प्रॉमिसेस समझ में आ गए होगा आप लोगों को। एक और क्विक रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक ये जो है ना, मुझे मुझे शिकायत नहीं चाहिए कि हैरी भाई आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया प्रॉमिस, नहीं वो नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, ये शर्त है कि आपने ध्यान से देखा है तब आपको समझ में आए। देखो हमने यहाँ पर किया क्या, हमने कहा कि कौन स्टूडेंट नाम का एक एरे है, कहीं सर्वर से आ रहा होगा, और उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें नेम और सब्जेक्ट है, नेम ऑफ द स्टूडेंट और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो। हमने दो फंक्शंस बनाए, हमने कहा एनरोल स्टूडेंट एक फंक्शन है जिसको कॉल करते ही वो एक कसम खाएगा, यानी कि एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, वो बोलेगा जी देखो मैं करूँगा क्या कि मैं स्टूडेंट्स में पुश कर दूंगा स्टूडेंट को, यानी कि जो भी आप दोगे मुझे मैं डाल दूंगा उसको स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। यानी कि अगर आपका स्टूडेंट सर्वर से सही सही आ गया तब मैं उसमें स्टूडेंट डाल दूंगा, आप बोलोगे अगर नहीं आया तो, उन्हें अगर नहीं आया तो मुझे बता देना क्या करना है दूसरे पैरामीटर में, मैं वो कर दूंगा। तो आप बोलोगे ओके, तो मैं तुम्हें दो फंक्शंस दूंगा, एक मैं दूंगा तुम्हें रिजॉल्व, एक दूंगा रिजेक्ट, अगर सब कुछ सही सही होता है तो तुम रिजॉल्व को रन करना और अगर नहीं होता है तो रिजेक्ट को रन करना। तो आपने इसकी बॉडी लिख दी, इसने बोला जी देखो ठीक है मैं 1 सेकेंड लूंगा ये करने में, पुश करूंगा स्टूडेंट को और उसके बाद मैं ये देखूंगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो मुझे एरर या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स, अगर मुझे ट्रू मिलता है तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा और अगर नहीं मिलता है तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा। और रिजेक्ट में मैं क्या करूँगा, रिजेक्ट में अभी कोई पैरामीटर मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैरामीटर भी दे सकता हूँ, यानी कि ये जो रिजेक्ट फंक्शन है ये कैच के अंदर जो है वो फंक्शन है, और ये जो देन के अंदर फंक्शन है वो क्या है, रिजॉल्व के अंदर वाला, ये रिजॉल्व है सॉरी नॉट अंदर वाला, रिजॉल्व वाला फंक्शन इसके अंदर वाला है, देन के अंदर वाला, यानी कि देन के अंदर जो भी आएगा वो यहाँ पर रिजॉल्व की जगह पर रन होगा, और रिजेक्ट की जगह पर कौन सा रन होगा, ये रिजेक्ट कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है जो कि मैंने कैच के अंदर दिया है, कैच के अंदर जो देते हो वो होता है रिजेक्ट, देन के अंदर जो देते हो वो होता है रिजॉल्व। तो मैं यहाँ पर देन के इनसाइड लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, इनसाइड देन फंक्शन, इनसाइड देन इज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हाँ सॉरी कंट्रोल डी, और फंक्शन इनसाइड कैच इज रैन एज रिजेक्ट,
ठीक है, तो ये प्रॉमिस जो है आप लोगों को समझ में, आशा करता हूँ आ गया को। अभी इस टाइम पर एक चीज़ और बताता हूँ आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये कर क्यों रहे हैं हम, कर क्यों रहे हैं, कॉल बैक ठीक तो था, लेकिन आप लोगों को आगे जाके जब आप आगे जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें कितना सिंप्लीफाई कर देती हैं चीनिंग, और फिर काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगी और आप लोगों को रियलाइज़ कराएंगी कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा यूज़फुल है और कितना ये आपके टाइम को बचाएगा। तो बस अभी के लिए आपको क्या करना है, इसको समझ लेना है बस कॉन्सेप्ट को, ये नहीं सोचना है कि क्यों यूज़ करूँ मैं, आप क्यों यूज़ आप करें इसको, ये आपको कोर्स के एंड तक समझ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फैच एपीआई के बारे में बात करूँगा अभी, वो प्रॉमिसेस के बिना समझ में नहीं आएगी आपको, इसीलिए मैं अब यहाँ पर करूँगा क्या कि आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगा मैं चाहूँगा कि, और ये एक्सरसाइज जो है इनफैक्ट क्विज़ है, क्विक क्विज़ जिसमें आपको कमेंट करना होता है एक, और मैं आप लोगों को इसमें एकदम पूरा फ्रीडम देता हूँ कि आप मुझे जो भी मैंने यहाँ पर बताया है उसको आपको क्या करना है कि सिंपली मुझे आप लोगों को करके देना है, आप लोगों को मुझे समझाना है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि प्रॉमिसेस आप यूज़ करें, रिजेक्ट और रिजॉल्व आप यूज़ करें, तो आप लोगों को एक ऐसा प्रोग्राम मुझे लिख कर देना है कि रिजॉल्व और रिजेक्ट यूज़ करते हुए आप लोग कम से कम जो मैंने बताया उसको यूज़ करें, ये मेरा जो पॉइंट है उस क्विज़ का ये है। तो एक प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल सा, रिजॉल्व रिजेक्ट दोनों जिसमें यूज़ हो रहे हैं और प्रॉमिस यूज़ हो रही है, और आपके ऊपर है ये कि आप क्या प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ भी लिखें आप, बस ये मेरा प्रोग्राम मुझे मत दे देना वापस, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप कुछ सिंपल लिखें, इससे भी सिंपल लिखें, एक फंक्शन लिख दें जो कि रिटर्न कर रहा है प्रॉमिस, दो फंक्शन लेता है, फिर वहाँ पर उसको रन करके डॉट देन और डॉट कैच दोनों में कुछ कुछ आप कंसोल डॉट लॉग कर दें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर ली होगी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरा कोर्स हमने कंप्लीट किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको बुकमार्क कर लें और उसी के साथ साथ यहाँ पर सेव कर लें प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।